सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग अपने रूम हैदराबाद जहाँ पे हम आए हुए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे अपने रूम में है, अभी स्टे कर रहे थे। अब यहाँ से हम जाएंगे चार मीनार घूमने के लिए। और फिलहाल अभी हमारा रूम का लोकेशन कुछ इस प्रकार का है, ठीक हॉस्पिटल के पीछे ही है। और अगर मैं हॉस्पिटल दिखाने की कोशिश करती देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा AISD हॉस्पिटल, उल्टा लिख रहा होगा, लेकिन ये इसी हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उसी के पीछे रूम लिए, रूम दो चार जगह पता किए तो हमें एक सस्ता रूम मिल गया, क्योंकि रूम बहुत महंगा मिलता है जानते हैं हॉस्पिटल के पास में। तो अभी फिलहाल एक यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला हमको, ये देखिए पूरा कांच की बिल्डिंग है, पूरी तरह से काफ़ी अच्छी दिख रही है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चार मीनार घूमने के लिए, और उसके बाद से चार मीनार के अलावा भी और भी बहुत सारे जगहों पर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि कैसा हमारा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस हैदराबाद का, और भी टाइम मिलेगा तो और भी जगह हम विजिट करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने सफ़र में आपको आगे लेके चलते हैं। फिलहाल रूम से बाहर निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं ऑटो के लिए, ऑटो ढूंढेंगे कहीं भी सस्ता टिकाऊ, और उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं। फाइनली अभी हम चार मीनार नहीं जाके पहले गोलकुंडा जाएंगे, वहाँ का एरिया पहले घूमेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे चार मीनार और एक और कोई मार्केट है वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो फिलहाल पहले हम चलते हैं गोलकुंडा किला, वहाँ घूम लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे का कहाँ जाना है देखेंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। एक बार कॉल करिए, आपके पास तुरंत आप लोकेशन दीजिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। और सबसे सबसे बड़ी बात है होटल मतलब कम प्राइस में आपको कोई भी ऑटो वाले जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ में आपको एक बार जाइए, मेरा एक्सपीरियंस सही था, आपका भी जरूर सही रहेगा। तो अभी पीछे का ये लोकेशन है और अभी अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ का सीन रहता है। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली यहाँ से हमने टिकट ले लिया है और ये रहा हमारा टिकट, लगभग 25 रुपीज़ पड़ा है इंडियन के लिए, और अगर कोई अदर कंट्री से आते हैं तो उसके लिए 300 प्राइस है। तो आप टिकट ले सकते हैं, और ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसमें बार कोड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमको 25 रुपीज़ देना पड़ा 300 बाहर कंट्री के लिए। और अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा वहाँ का सीन है। फोटो लेना है फैमिली फोटो भैया फोटो चले गए।
धूप की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इतना तेज धूप है कि देखा ही नहीं जा रहा, सूर्य का रोशनी इतना खतरनाक पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, शायद हो सकता है इसको थोड़ा सा पत्थरों को सीमेंट वगैरह से फिर से एक्चुअली ये हो गया बहुत पुराना, थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया है सीमेंट वगैरह का यूज करके आधुनिक टाइप से। इस किले के अंदर आते समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल रहे हैं जो अभी एक जगह पे रोक लिए थे और उनसे पूछ सब पूछ रहे थे इस किले का पुराना क्या नाम है, किसने बनाया था तो हम नहीं बता पाए क्योंकि हमें आइडिया नहीं है और ना ही हम यहाँ कोई रूमर करके आए थे कि हम बता पाए उसके बारे में। अभी फिलहाल अंदर से एंट्री होते हुए बाहर निकले और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और वो पीछे भी बहुत सारे लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ड्स भर के लेके आए हैं जो अगर बता देता है तो हम गिफ्ट करेंगे फ्री में। पूरी तरह से यहाँ पे लाइट लगाया गया है, मतलब रात के समय खूबसूरती और बढ़ने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफी यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आए हैं बहुत ही ज्यादा। काफी अच्छा देखने को मिलेगा, आप देखेंगे तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पर लोकेशन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं सीने का पूरा लोकेशन दिखेगा और काफी अच्छा लग रहा है। चलिए ऊपर लेके चलता हूँ और आपको ऊपर भी दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन कैसा है। बहुत धूप है, धूप की वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बट बनाना तो पड़ेगा। मतलब ऐसा लग रहा है किले में मतलब पत्थरों को बहुत ही बेहतरीन से काट काट के बनाया गया है, जहाँ जहाँ पत्थरों काटना पड़ा काटा गया है और बाकी जगह पत्थरों को देखिए बड़ा बड़ा ऐसे छोड़ दिया गया है। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी नहीं पहुँच रही होगी, एक्चुअली मैं माइक लाना भूल गया लेकिन भाई लोग से मुलाकात हुआ। चलिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पता नहीं अब आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा बस यही क्वेश्चन रहेगा कि इस जगह का अभी क्या नाम है और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम नहीं पता है। किस साल में इसको चालू किया, मतलब इसका स्थापना कब हुआ, चालू कब किया? 14th शताब्दी। चलिए थोड़ा थोड़ा सही। तो दो क्वेश्चन हमने पूछा, काफ़ी अच्छा जवाब दिया इन्होंने और मुझे लगता है अभी अभी आधा ज़्यादा दूर पे नहीं आए, थोड़ा सा ही हाइट अभी अभी बोले यहाँ इस जगह से बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है उस समय यहाँ के लोग निगरानी के तौर पे इस जगह को यूज करते थे, यहाँ से देखते थे बाकी सारे एरिया का। इसका ये बताइए, मुझे लगता है सारा पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरा हैदराबाद, मुझे लगता है यहाँ से आधा से ज़्यादा हैदराबाद पूरा दिखाई दे रहा है आप सभी। अब कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता बट दिखाई दे रहा है। सेव कर ले।
आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, जरा बताइए। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बताइए कि वो अच्छा भैया इंग्लिश लाइक हाँ इंग्लिश ओके ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स दिस प्लेस विजिटेड? 3 टाइम्स। नो ओके ओके, हाउ मेनी टाइम्स दिस प्लेस ओपनिंग टाइम? दिस ओपनिंग इज 1947। ओके, रखा हुआ है एक्चुअली पूरा भाग नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा है, बाकी इसके अवशेष लग रहा है खत्म हो चुका है, बट थोड़ा बहुत जो है आप देख सकते हैं बचा हुआ है। पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा भारी है। इसका होल देख सकते हैं, बहुत ही छोटा होल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी होगा मेरे ख्याल से। अब पता नहीं कैसे इसको इधर एक से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, मुझे नहीं पता, बट आप देख सकते हैं दिस लेंथ एंड दिस साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी है और इसके आप जाके चढ़ सकते हैं। यहाँ लगता है मुझे राजा महाराजा लोग रहते थे, उनका मेन था रहने का, क्योंकि यही एक है जो कि बना हुआ एक ढांचा आकृति तौर पर तैयार किया गया है। बाकी सारी चीजें बड़ी आपको दिखाई दे रही हूँ अभी, अब हम ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। तो फिलहाल अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे।